नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज साला। साथियों, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड पांचवा टेस्ट रद्द हो चुका है। मैच की बलि कोरोना ने ले ली है। टीम इंडिया के सपोर्ट स्टाफ में कोरोना के बाद मैच रद्द करने का फैसला किया गया है। अब ये सवाल उठता है कि आखिर मैच का नतीजा क्या होगा, इस सीरीज का विजेता कौन होगा। तो साथियों, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको थोड़ी हिंट दे देता हूँ। साथियों, तीन स्थितियाँ बन सकती हैं। पहले नंबर पर है सीरीज ड्रॉ। पहले खबर आई कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड कह रहा है कि चूंकि भारतीय दल में कोरोना के कारण मैच रद्द हुआ है, इसलिए मैच को भारत फोरफीट करे, यानी वॉक ओवर दे। ऐसा होता है तो इंग्लैंड को एक पॉइंट मिल जाएगा और सीरीज 2-2 से बराबर हो जाएगी। इसके पीछे ईसीबी की दलील ये भी है कि चूंकि मैच खेलने से भारतीयों ने मना किया है, इसलिए इंग्लैंड को विनर घोषित किया जाना चाहिए। लेकिन अब खबर आई है कि ईसीबी ने फोरफीट वाला अपना बयान वापस ले लिया है। नंबर 2 पर आता है भारत की जीत। क्योंकि कोरोना का काल है तो ऐसी आपदा की संभावना पहले से होगी, लिहाजा मैच रद्द होने का दोष भारत पर नहीं लगना चाहिए। ऐसी स्थिति में भारत 2-1 से सीरीज जीत जाएगी। आपको याद होगा तीसरा टेस्ट ड्रॉ हुआ था। और तीसरी स्थिति क्या हो सकती है, नतीजा स्थगित। क्योंकि मैच रद्द होना एक प्राकृतिक आपदा की तरह है तो हो सकता है दोनों बोर्ड तय कर लें कि इस मैच को फिलहाल रद्द कर दिया जाए और जब आगे कभी हो तो सीरीज का विजेता या नतीजा घोषित किया जाए। चूंकि ईसीबी बीसीसीआई में अच्छे ताल्लुकात हैं तो आपसी सहमति से कोई फैसला होने की उम्मीद है। तो साथियों, इन तीनों कंडीशन के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है, नतीजा स्थगित होगा या भारत की जीत होगी या फिर सीरीज ही ड्रॉ हो जाएगी? अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए न्यूज़शाला।